इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताएं अपना। जी, हमारा नाम जितेंद्र पटेल है और हम निसीपुर रोहनिया वाराणसी से बात कर रहे हैं। जी, क्या करते हैं पटेल जी? जी, हम तो दुकान पर रहते हैं। और कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको तमाम आकाशवाणी वाराणसी के? बहुत ही सुंदर जी। और नियमित रूप से आप हमारे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं? बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है जो व्हाट्सएप और ईमेल पर आधारित है, उसमें भी आप फरमाइशें भेज सकते हैं। जी, व्हाट्सएप पर करते हैं। जी, तो आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? फिल्म का नाम तो नहीं पता है, गाने की बोले सुन प्रेम में दीवानी तू है मेरी राधा रानी, तू मेरे लिए दुनिया में आई। ठीक है, गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी नमस्कार। गंगा जैसा मन तेरा, गोरे मुख पे सवेरा, तो मेरे लिए ओ बस मेरे लिए दुनिया में आई है, तू तो मेरे लिए दुनिया में आई है। झूठी झूठी तेरे वादे, झूठे 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 जैसे पीने के इरादे, crazy you crazy, झूठी झूठी तेरे वादे जैसे पीने के इरादे, तू तो कहे या हर जाई कहे या छलिया दीवाना, कुछ भी कह ले लेकिन सुन ले मैं हूं तेरा परवाना। मीठी मीठी बातों की जाल बिछाने से, आगे पीछे फेरे लगाने से, कभी किस बहाने से कभी उस बहाने से, लड़की पटेगी नहीं सीटी बजाने से, लड़की पटेगी नहीं सीटी बजाने से। सुन प्रेम दीवानी, तू है मेरी राधा रानी, तो मेरे लिए ओ बस मेरे लिए दुनिया में आई है। I miss you.
I miss you, I love you, I love you. I miss you, I miss you. तुझको ही दिन रात निहारूंगा, तेरी कसम। पूजा करूंगा तेरी, आरती उतारूंगा, मैं तो एक पत्नी व्रत धारूंगा। राम की तरह, राम कसम। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, बताएं नाम अपना। सर मैं दिनेश बोल रहा हूँ, जिला हरदोई से। और कैसे हैं दिनेश जी? ये सर बढ़िया। और अचानक से धूप काफी तेज हो गई है, गर्मी अचानक आ गई है। सुबह शाम उतनी गर्मी नहीं है लेकिन धूप बहुत तेज है, ऐसे में बहुत ही सतर्कता की जरूरत है। क्या काम काज है आपका? अरे सर धूप में ही तो बैठे हैं, गेहूं काट रहे हैं। ये तो है कि खेतीबाड़ी के ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें धूप की अगर आदमी परवाह करे तो फिर वो काम हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ये है कि नियमित रूप से अगर आपकी आदत है खेत बाग बगीचे में काम करने की तो उतनी तकलीफ की स्थिति नहीं होती है। और प्रोग्राम सुन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको?
जी बढ़िया लग रहे हैं। और कौन सा गीत आज सुनाए आपको? आज गीत सुनवा दीजिएगा स्वर फिल्म, आए मेरे दोस्त लौट के आजा। और ये बताएं कि अब ये कटाई कितने दिनों की बाकी है आपकी? हमारे यहाँ वैसे मेरा तो भी मतलब 15 दिन में, वो 15 के आज 2-3 दिन में कट जाएगा, और बाकी तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो कितने लोग एक साथ लगे हुए हैं इसमें? हम 3 लोग हैं, मैं मेरे 2 भतीजे। हाँ, ये तो है कि पूरे दिन भर ये काम करना होता होगा और बहुत तेज धूप है तो दिन भर नहीं करते। जी दिन भर नहीं करते, सुबह आ जाते होंगे जल्दी। सुबह जल्दी आ जाते हैं तो 10 बजे चले जाते हैं हम लोग। जी 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 बिल्कुल, आप बढ़िया से खेती बाड़ी के काम में लगे रहे और हमारे कार्यक्रम भी सुने। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म स्वर्ग से, मोहम्मद अजीज की आवाज है। नमस्कार, शुक्रिया।
कार्यक्रम में। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। जी नमस्ते सर। नाम क्या है जी? मैं अगली बाजार वाराणसी से परवीन बोल रही हूँ। परवीन जी, धूप है कि नहीं या घर में रहती हैं तो धूप का असर ही नहीं होता होगा? नहीं नहीं, तो पार्लर में जॉब करती है, अभी मुझे निकलना है 11 बजे तक। तो पार्लर में तो एसी लगा होगा? नहीं, कूलर। अच्छा, है कूलर है। हाँ, तो भी गर्मी से राहत रहती होगी, दिन भर आपको पार्लर में अगर काम करना है तो। बाहर में लेकिन धूप बहुत तेज हो रही है दिन में। बहुत तेज, बहुत। और अचानक से मौसम बदल गया है और गर्मी जैसी स्थिति आ गई है। जी हाँ, यहाँ पे तो वैसे भी वाराणसी में बहुत गर्मी रहती है। ऐसे तो बचपन से हम लोग कश्मीर में रहे हैं। जी जी, तो सोचिए तो वहाँ तो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल उलट मौसम वहाँ होता है। वहाँ तो साल भर ही ठंड जैसी रहती है। वहीं पे ही थे हम लोग। और उसको तो आपको धरती का स्वर्ग जन्नत कहा जाता है। जी जी जी। तो अब तो तब तो काफी तकलीफ होती होगी वैसी जगह से, ठंडी जगह से आकर के यहाँ रहने में। नहीं, अब तो जैसे कि अब तो आदत हो गई है। अब यहाँ की गर्मी भी। और प्रोग्राम सुनते हैं आप सब, कैसे लगते हैं कार्यक्रम? जी मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आज कौन सा गीत सुनना है परवीन आपको? मुझे नागिन फिल्म का गाना सुनना है। जी, लता मंगेशकर जी की आवाज में। हाँ, कौन सा गाना? मेरा दिल ये है। कौन सा ऐसे पुराना कोई गाना है? 1954 की नागिन है ये, मेरा दिल ये पुकारे आजा। जी हाँ। पता नहीं मेरे पापा के जमाने का है, लेकिन मुझे आज भी ये पसंद है। जी जी, बहुत अच्छा गीत है। फिल्म भी बहुत अच्छी थी, बहुत चली ये फिल्म। 1954 की फिल्म है जी। तो फिल्म नागिन का गीत आइए सुनते हैं, लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, हेमंत कुमार का संगीत। नमस्कार, शुक्रिया परवीन।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते जी, मौनी बाबा धाम चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी बोल रहा हूँ। तो अब तो बाजार में दिन में थोड़ा सा सूनापन हो जाता होगा क्योंकि धूप बहुत तेज आ गई है अचानक से। धूप है सर, इस समय गेहूं से कटिया बिनिया सब चल रहा है सर। हाँ ये तो है कि ग्रामीण इलाकों में तो खेती बाड़ी के काम इस समय बहुत ज्यादा होते हैं और अभी तो धूप है लगातार, ये अच्छी बात है। बीच में कुछ बारिश सी हो गई तो कटाई के काम में व्यवधान भी आ गया था। सुबह शाम में जो है मार्केट चलता है सर। जी जी, और प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको? जी अरे प्रोग्राम सर आपका तो बहुत अच्छा रहता है, हम हमेशा सुनते रहते हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन आपके पत्र नए नहीं आते हैं, पुराने वाले ही पत्र हैं, कुछ ही पत्र आपके बचे हैं। तो आप व्हाट्सएप या मेल नहीं भेजते हैं क्या? नहीं सर, ईमेल हम नहीं करते, फोन से बात करते हैं सर। चलिए अच्छा है, कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें आज? सर कैसे हैं आकाशवाणी परिवार के लोग? हम सभी लोग अच्छे से हैं। कौन से गाने की फरमाइश है आज आपकी? गाने सर सुहाग फिल्म का, अजय देवगन का, अक्षय कुमार का है ना जी। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लड़की का, ये नखरा लड़की का।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश जी, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। अरे हम बहादुर शर्मा बोल रहे हैं सर। जी बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है आप जैसे श्रोता नियमित रूप से इसी जोश और उत्साह के साथ फोन करते हैं। कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके? सर हम सब ठीक ठाक है। और प्रोग्राम सुन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे लगते हैं सर। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? सर हमको गाना ये सुनना है जी, चूड़ियां बजाऊं की बजाऊं कंगना तुझको मैं कैसे जगाऊं सजना। मुकद्दर है सर, मिथुन चक्रवर्ती का है, आशा जी रुका। आपका हाल चाल ठीक है सर? हम लोग सब अच्छे से हैं, गीत आपको सुनवा दे रहे हैं। हाँ, आपकी फरमाइश पर बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
नाना कैसी ये जलन मैं बुझाऊं सजना चूड़ियां बजाऊं के बजाऊं कंगना हाँ बोल तुझे कैसे मैं जगाऊं सजना आंग आंग बहके तन मेरा बहके मन मेरा बहके कैसी ये जलन मैं बुझाऊं सजना कैसी ये जलन मैं बुझाऊं सजना जलन मैं बुझाऊं सजना हाय कैसे ये जलन मैं बुझाऊं सजना। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते स्वागत है प्रोग्राम में, नाम बताइए अपना। जी सर अरुण पांडे सर बोल रहे हैं। जी जी सर प्रणाम, मेरा नाम रमेश शर्मा, ग्राम पोस्ट की सबूरत थाना जबनिया जी। जी तो बहुत दूरी का पूरा पता आपने बता दिया अपना, अच्छा किया। और क्या करते हैं आप वहाँ पर? सर मैं यहाँ तो एक नेत्रहीन व्यक्ति हूँ, मैं खुदी कुछ आप सब पे बैठ पे हूँ। और रेडियो आपका साथी है और निरंतर प्रोग्राम आप सुनते रहते हैं, वही एक मनोरंजन का साधन है सर। क्या जी, जी तो फोन इन में आप फोन करते हैं, बाकी कार्यक्रमों में तो आप भेज नहीं पाते होंगे व्हाट्सएप या ईमेल? नहीं नहीं सर, वो हमारे पास टू जी छोटा मोबाइल है। और रेडियो पे सुनते हैं? रेडियो है आपके पास इसका? हाँ, रेडियो हमारे पास है सर। बहुत बढ़िया, मीडियम वेव पे आप सुनते हैं प्रोग्राम? हाँ जी सर, मुझे एक गाना सुना था। जी कौन सा? फिल्म का नाम तो है मैंने प्यार के जो फिल्म, उसमें गाना है कबूतर जाजा फिल्म है ना। जी 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 बिल्कुल। हाँ वही फिल्म का गाना सुना था सर। हाँ और रेडियो में बहुत सारी प्रेरक बातें, प्रोत्साहन की और हौसला रखने की बातें भी बताई जाती हैं तमाम कार्यक्रमों में, तो हाँ, रेडियो हाँ। से आपको जीवन में कुछ बल मिलता है, आत्मबल, जीने की जो जिजीविषा होती है कि हम कुछ करें और परेशानियों से दो हाथ होकर के आगे बढ़ें, कुछ अच्छा काम करें, ऐसा लगता है? क्या करें सर, ऐसा इसलिए कि हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। दिक्कत यही है ना। चलिए रेडियो से जुड़े रहिए और हम लोगों से बातें करते रहिए, गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। सर, रेडियो कार्यक्रम तो हमेशा सुनते ही हैं, फोन कई बार लगाए नहीं लगा, आज लग गया। गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है मैंने प्यार किया, कबूतर वाला गीत, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजें। शुक्रिया, नमस्कार।
यहाँ का मौसम बड़ा हसी है, फिर भी प्यार उदास है। उनसे कहना दूर सही, मैं दिल तो उन्हीं के पास है। तू ये संदेशा उनको सुनाना, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। सर मैं मोहन कुमार चरतिया बोल रहा हूँ। कौन सी जगह से मोहन जी? मऊ जिले से बोल रहा हूँ। और मऊ में मौसम कैसा है? बहुत तेज तल्ख धूप है इन दिनों जी, बहुत। तो आपका काम काज किस चीज का है? पढ़ते लिखते हैं या फिर कोई खेती बाड़ी का काम हो रहा है? हमारा आई का क्लिनिक है सर। जी जी, तो गर्मी के मौसम में आंखों में क्या बात कहेंगे कि देखभाल के लिए क्या करना चाहिए? देखभाल मतलब धूल धक्कड़ या धूल से बचाव किया जाए, जिसमें न बचने से एलर्जिकल हो जाती है आंखों में, रेडनेस ज्यादा हो जाती है, रेड का चल चलन कम हो जाता है। और प्रोग्राम कैसे लगते हैं? तो प्रोग्राम तो हम बहुत लंबे समय से सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें सुनना जी। और आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? क्रांति भी है। हाँ, गाना हमको याद नहीं आ रहा सर, जब से हम तेरे से। और कुमार सानू की आवाज है, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है क्रांतिवीर। नमस्कार, शुक्रिया। आ गया जब से हम तेरे आशिक
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। प्रणाम सर। प्रणाम। मेरा नाम विवेक है सर, मैं शंकरपुर चिरेगांव वाराणसी से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, चिरेगांव तो बहुत सारी चीजों के लिए मशहूर है, और क्या काम है आपका वहाँ पर? सर मैं अपने ग्राम पंचायत में ही पंचायत भवन में मेरा नियुक्ति हुआ है, इसलिए मैं कार्य करता हूँ। तो बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। गांव में भी विकास के बहुत सारे काम इन दिनों हो रहे हैं, उसमें आप योगदान करते होंगे। और प्रोग्राम हम लोगों के कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया लगते हैं सर, बहुत बढ़िया। और कौन कौन से कार्यक्रम खासतौर से हेलो फरमाइश के अलावा भी सुनते हैं, या फिर फिल्मी गाने वाले ही प्रोग्राम सुनते हैं आप? नहीं नहीं सर, हम यही सुनते हैं, यही सैटरडे संडे को। जी जी बिल्कुल। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? सर मेरी दोस्त है निधि मौर्य, उनके लिए सर एक गाना प्रेम रूप का सुनवा दीजिए, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। तो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, फिल्म है प्रेम रोग। नमस्कार, शुक्रिया। मेरी किस्मत में तू न
नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूं, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूं। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोरम फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 से। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222105। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। और अब आज का प्रोग्राम खत्म करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। मेरी आंखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने, सोचता हूँ कि मेरी आंखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने, तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, जिंदगी बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद।
जाएगी प्यार में तेरे। Shut up.